अगर आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि जी फलाने को बंदे उठा के ले गए तो मुझे नहीं पता, फलाने को डाला आ गया, फलाने की बात नहीं, मैं अब आपसे डायरेक्ट मुझसे अगर आप ये बात करें कि मुल्क की आज हालात खराब क्यों है, मैं इस पे बात कर सकता हूँ। चलिए मुझे सर ये बता दे, मैं डायरेक्ट सवाल कर लेता हूँ। 2018 में धांधली हुई जी, बिल्कुल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई जी, हुई अदालतों को इस्तेमाल किया गया जी, हुआ है। 2024 में धांधली हुई, सब कुछ वही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वही हुआ, अदालतों को इस्तेमाल किया गया। और आप कहते हैं आगे चले बस इन पे कुछ भी ना करें, चले फिर करें, नहीं आप नहीं, कह नहीं, रहे हैं आगे, आगे है। रास्ता छोड़ दें, आगे का रास्ता छोड़ दें, लाए अमल तो बताए ना अपनी आवाम को। भाई लाए अमल यही होता है कि जब सियासतदान अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, हम इसी सियासी जमात सर कहाँ खड़े रहेंगे, आप नई पार्टी बनाने निकल पड़े, पार्टियां छोड़ दी आपने, आप भी तो नहीं खड़े रहे अपनी पार्टी के साथ। बनाना मेरा आईनी हक है ना, आप उससे नहीं ले सकते। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पार्टी का मकसद ये है कि बजाय दूसरे को गाली देने के, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के, हम मुल्क की बात कर सकें, मुल्क के मसाइल की बात कर सकें, मुल्क के मसाइल के हल की बात कर सकें। उनके अंदर ये सब हल मौजूद हैं। जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, जहां आइन की हुक्मरानी नहीं होगी, वहां मईशत कमज़ोर रहेगी, वहां पर गरीब आदमी मजीद मुश्किल का शिकार होगा, वहां मुल्क मुश्किल का शिकार होगा। ये सियासी जमात का काम होता है। सियासी जमात का काम क्या सारा ही नहीं होता, उसका काम कल की हेडलाइंस लेना नहीं है, उसका काम वक्ती तौर पे बात करके कल उसके बगैर सबूत के उसका जवाब देना नहीं है। सर ये तो बड़ी अच्छी किताबी बातें हैं ना, कि मगर आप जिन ओहदों पे रहे हैं और आप जिस लेवल के पॉलिटिशियन हैं, लोग आपसे तवक्को करते हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, तो पहले तो वो ये बताएंगे अलल ऐलान के इस मुल्क में जो आज सूरत हाल है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब हैं, कोई भी जिम्मेदार ना, मतीउल्लाह जान बरी जिम्मे, ना शायद अब्बासी बरी जिम्मे, सब इसका हिस्सा है। छोड़ दें बातों को, अगर आपने तयन करना है ट्रुथ कमीशन बना दें, हकायक वहाँ पर आपको मिलेंगे, हकायक टीवी प्रोग्राम में नहीं मिलेंगे, शायद अब्बासी से नहीं मिलेंगे, मतीउल्लाह जान से नहीं मिलेंगे, जो लोग उस मामले का हिस्सा रहे हैं। इम्यूनिटी दी जाती है, वो आके अपने मुकम्मल बात का जिक्र करते हैं। आपकी मिसाल रवांडा की आपके सामने है, वहाँ लोग आए, उसने कहा मैंने 3000 आदमी खुद कत्ल किए हैं, इम्यूनिटी थी, रिकन्सिलिएशन हो गई, बात ख़त्म हो गई, किसी को सजा नहीं हुई, हकीकत अवाम के सामने आ गई। पाकिस्तान के अवाम को सबसे पहले हकीकत चाहिए। आपने कब्रों से निकाल के लटकाना है किसी को, आप शौक पूरा कर लें, हुकूमत में जो हैं शौक पूरा कर लें, ये तरीका नहीं होता इन मामलात का। आप माजी से सबक हासिल, माजी को दुरुस्त करते हैं, हकीकत उसकी सबक हासिल करते हैं और आगे चलते हैं। बतौर वज़ीर आज़म आपने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? नहीं, मैंने, मेरे पास वो मैंडेट नहीं था। ये मैंडेट तो आइन का देते हैं, मेरी बात कंसेंसस से ये चीज़ें होती हैं। किसके साथ? इसीलिए एक डिबेट होती किसके साथ? पॉलिटिकल कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस। इसमें फौज का तमाम जमात कोई रोल नहीं, फौज को भी आप शामिल कर लें, डिबेट में शामिल करना कोई वो इस पे राजी नहीं थे ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन। मैंने बात नहीं की कभी। अच्छा, ये कंसेंसस क्रिएट करना पड़ता है, इसमें जुडिशरी भी शामिल, सब पे सबके नाम आएंगे। लेकिन आईन में ये कहाँ लिखा है कि फौज से कंसेंसस हासिल करना है? आईन, आपने तो आईन पे हल्फ उठाया। आईन में लिखा नहीं कि आप मुशावरा की, लिखा है कि मुशावरत नहीं कर सकते फौज से, जुडिशरी से लिखा हुआ। सियासी मामलों में किसी सियासी मामला तो आपके और उनके हल्फ के खिलाफ वर्जी नहीं है? मुल्क की तारीख का मामला है, आईन का मामला नहीं है। इसमें से 42 साल फौज को आपने इजाजत दी है मुल्क चलाने की आईनी तौर पर, तो हल्फ जुडिशरी ने दिया। आईन पे हल्फ उठाते हैं वो क्या है? जहाँ पर उठाया तो अब थोड़ा गया, तो फिर उसको आपने इम्यूनिटी दे दी। इस मुल्क के जजेस ने दी है ना, मुशर्रफ ने 2 साल मांगे थे, आपने 6 दे दिए। लेकिन जजेस ने फिर उनको सजा भी तो दिलवाई है ना सर? सर सजा दिलवाई क्या इम्प्लीमेंट कर सके सर? चले ये ऑप्टिक्स खेलना, ये बात कोई कामयाबी की चीज दलील नहीं होती। आप बात वो है जिसमें वजन हो, जो आप इम्प्लीमेंट कर सकें, जिसका मुल्क के मामलात पर असर हो। आज आप इस मुल्क की आज सबसे बड़ी ज़रूरत, मैं आपको हकीकत से कह रहा हूँ, एक ट्रुथ कमीशन है। हमने अपनी तारीख मसख कर दी है, हम अपनी तारीख से सबक हासिल करने के काबिल नहीं रहे। ट्रुथ कमीशन में क्या होगा सर? आप कहते हैं मेरे पास किसी चीज़ का सबूत नहीं है, तो अगर आप भी पेश होंगे तो ट्रुथ कमीशन में क्या कोई बोलेगा? ट्रुथ कमीशन में सब कुछ बोलने को तैयार नहीं है, मैं तो बाकी कोई क्या बोलेगा? ट्रुथ, मैं सच बोल रहा हूँ मेरे भाई, मैं झूठ कभी नहीं बोलता।
तो आपके नजदीक ना लापता अफराद आप उसे क्या सराही चाहते हैं? आप उसे क्या सराही चाहते हैं? वज़ीर आज़म रहे ना, वज़ीर आज़म रहे, मैं आप सवाल करने में जवाब दे दूंगा। ये लापता अफराद का जो मामला है, ये लापता अफराद का जो मामला है, इसका एक कमीशन मौजूद है, इसमें एक जस्टिस लगा हुआ, जाके पूछ लें उससे। मेरे पास कोई ऐसा मामला नहीं आया कि लापता अफराद को क्या हुआ या क्या नहीं। जस्टिस जावेद इकबाल की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज रहे हैं, लापता अफराद कमीशन, जी जो उन्होंने काम नैब में किया ना, उसे 10 गुना बेहतर काम वहाँ पे कर रहे हैं। ये बेहतर कामज में है या क्या? जी कामज में है। तो उनको फिर आपने बदला क्यों नहीं बतौर वज़ीर आज़म? बदला मैं बदल सकता हूँ क्या? मतलब हमने तो लगाया था उनको नहीं, तो आप वज़ीर आज़म थे, हमारा ख्याल था वो छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद जो आए हैं उन्होंने बदला है उसको। सर अगर जावेद इकबाल जैसे बंदे को आप बतौर वज़ीर आज़म नहीं बदल सके, तो नई पार्टी में नई पार्टी लोगों को देके अब क्या करेंगे? जावेद इकबाल को हमारी जमात ने, सारी जमातों ने मिलकर, अपोजिशन ने और हुकूमत ने उसको चूज किया था नायब चेयरमैन के तौर पर, वो अपने इस ओहदे पर भी कायम रहे। अब इनको नायब से गए हुए भी 3 साल होने लगे, लेकिन लापता अफराद कमीशन के सरबराह के तौर पे आप खुद कह रहे हैं आप मुतमईन नहीं है उनसे कारकर्दगी पे। मैं अब मुतमईन नहीं हूँ ना, तो फिर उनको हटा क्यों नहीं, कम से कम कमीशन से हटा देते हैं। भाई कमीशन से हटाना अब जो है उनका काम है कि 11 साल हो गए, देख लें क्या काम। वो किन के बंदे थे जावेद इकबाल? अल्लाह ताला के होंगे यार, मैं क्या पता किसके बंदे। नून लीग और पीपल पार्टी के थे आपके बंदे थे? नून लीग ने नाम नहीं दिया था, पीपल्स पार्टी ने नाम दिया था, हमारी जमात ने कबूल कर लिया मेरे नाम और खुर्शीद शाह साहब के नाम से, वो नाम उनका अप्रूवल के लिए गया। आपके नाम से आपने प्रपोज जी किया? मैं अपनी जमात को रिप्रेजेंट करता हूँ ना, जब मेरी जमात फैसला कर देती है हाँ ये नाम काबिल कबूल है, एक जमात प्रपोज करती है खुर्शीद शाह की तरफ से। आपने मुखालफत क्यों नहीं की? किस बात की? बतौर नायब चेयर मेरे पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि मैं मुखालफत कर सकूँ, मैं नहीं जानता था। लेकिन बाद में जवाब मिला बतौर वज़ीर आज़म आपको क्या? लापता अफराद कमीशन में जो नहीं, करते रहे, कोई ऐसा जवाब नहीं आया। अच्छा, मतलब आप मुतमईन थे उनकी कारकर्दगी? मेरे पास कोई ऐसी नॉलेज नहीं है कि उन्होंने काम किया। आपने अभी कहा ना कि बड़ी अच्छी उनकी कारकर्दगी थी, बड़े नहीं, मैंने अच्छी कारकर्दगी नहीं कहा, मैंने कहा मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी कि वो काम नहीं कर रही है, कमीशन काम नहीं कर रहा। सर ये जावेद इकबाल और इन जैसे बहुत से लोग सियासी जमातों में जो आते हैं, फिर बाद में बहस चढ़ी आती है, ये किस किसके लोग? सियासी जमात में नहीं थे, इनके नाम आया उन जैसे लोग, सियासी जमात ने नाम दिया। सर उन जैसे लोग जो सियासी जमातों में भी आते हैं, जिनको आप सियासी लेपालक कहें, सियासी हम नाम ले ले ना ताकि पता लग जाए, फैसल वाडा है, मोहसिन नकवी है, और जो औरंगजेब खान है, जो सियासी जमातें उनको लेती है उनसे पूछ ले। नहीं मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ ना, क्या आपके इल्म में है कि ये लोग किस तरफ से लाए गए हैं बतौर एक सियासतदान? मेरे इल्म में नहीं है। क्या सराई अब चाहते हैं तो मैं कर देता हूँ। क्या सराई की बात नहीं, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। एक आदमी क्या ऐसे लोगों की, एक आदमी को एक जमात ले रही है, एक जमात ने लिया, अपना वजीर बनाया, वो पीटीआई उस जमात का नाम था। अगर आप फैसल वाडा साहब की बात कर रहे हैं, अगर आप औरंगजेब साहब की बात कर रहे हैं, तो आज वजीर बनाए गए हैं एक टेक्नोक्रेट, नकवी साहब की, वो से नकवी साहब एक टेक्नोक्रेट होंगे, वो इंटरिम गवर्नमेंट में भी रहे हैं, अब वो वजीर दाखला है। तो प्राइमिस्टर साहब से सवाल कर लें कि क्यों बनाया है। आपके ख्याल में इनको ऐसे लोगों को जगह मिलनी चाहिए? मेरे ख्याल में नई जमात में, हमारी जमात में, हमारी जमात के सिर्फ काबिलियत और इंटेग्रिटी, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, हम यही बात कर रहे हैं। और इसके लिए रिकमेंडेशन कहाँ से होगी? इसका मयार क्या होगा? काबिलियत को आप जानते हैं, काबिलियत का मयार क्या होगा? हर शख्स को जानते हैं ना, पता होता है इसमें क्या काबिलियत है क्या नहीं है। और उन्होंने आपकी तरह हर हुकूमत में काम किया है? किसने? जो आपके मुफ्ता इस्माइल साहब हैं। जी बिल्कुल, जानता हूँ, बिल्कुल काबिल आदमी है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, सलाहियत भी है, क्रेडिबिलिटी भी है। क्योंकि जो दूसरे नाम आ रहे हैं, ज़ैम कादरी, जावेद अब्बासी, मेहताब अब्बासी, मईज़ जाफ़री, जी बहुत से लोग। आपकी नई पार्टी में नया क्या है? नए लोग भी हैं, नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं, हर जमात में नए लोग नहीं आते, ये सब क्रेडिबल लोग हैं हमारी नजर में। चलें अब आपकी नई पार्टी के हवाले से बात, जब वो पार्टी बन जाएगी तो फिर आप एक 3-4 प्रोग्राम अलहदा कर ले, हर शख्स का नाम मैं आपको दे दूंगा, आपको मैं डिफेंड भी कर दूंगा। क्योंकि अभी तक बड़ा एक पुरसरारियत है आपकी पार्टी के नाम के हवाले से भी और काम के हवाले से नहीं है। जब नाम होगा, जब एनलिस्टमेंट हो जाएगी इलेक्शन कमीशन में, फिर नाम भी आपको आ जाएगा, ये कोई सीक्रेट बात नहीं है। चले क्या उसका नाम भी कोई मुस्लिम लीग होगा? ये वक्फे के बाद ये बता दें, मुस्लिम लीग नहीं होगा, मुस्लिम लीग नहीं होगा, 11 मौजूद है, कुछ भी सकते हैं। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, शायद खाकान वासी हमारे साथ मौजूद हैं।
वेलकम बैक सहाफी प्रोग्राम में। एक नई सियासी जमात का वजूद हमें देखने को मिल रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उस जमात की जिसको कहना चाहिए कि आबियारी कर रहे हैं और जल्दी उसका नाम भी हमारे हूँ। ये ना मेरी ज़ात की जमात है ना किसी और की ज़ात की जमात है, एक जमात है जो इंशाल्लाह एक बेहतर सोच आपको देगी। देखिए जमातें तो पहले भी बनी है, इवन के जनरल असलम बेग ने भी जमात बनाई, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी जमात बनाई। तो ये सोच आपको याद है क्यों बनाई थी? जी कुछ आपको याद होगा? जनरल असलम बेग साहब, जी जी आप बताए ना। मैं ये पूछ रहा, नहीं याद ना। तमगा जमहूरियत दे दिया था उन्होंने। वो कभी टीवी पर आए अपने आपको डिफेंड करने अपनी सोच को? हम हर रोज होंगे, लेकिन आप तफ्तीश कर दिया करें उस अभी तक तो आपकी सोच भी वाजे नहीं है ना। सोच बड़ी वाजे है, हमने बात मुल्क की करनी है, ये शख्सियत का ग्रो नहीं। तो ये सारे इंडिया की तो नहीं कर रहे जो पार्लियामेंट में तकरीर? मुझे मुल्क की बात तो नजर नहीं आई। आज आपके सामने पूरी शाम डिबेट हुई है, मुल्क की बात आई है उसके अंदर? आपने बड़ा बर्दाश्त किया नून लीग में इतना अरसा रह के, जो वहाँ पे मुल्क की बात नहीं हुई इतना अरसा आप रहे? मुल्क की बात हुई हम की है हमने। अच्छा, मुल्क की बातें हुई? नवाज शरीफ साहब मुल्क की बात नहीं करते आज तो नहीं है ना? नहीं अभी बात कर रहे हैं या नहीं? जी मुझे नजर तो नहीं आई, जैसे आप बाहर बैठे कर रहे हैं। आज हुकूमत है ना। अच्छा, आपको पब्लिकली मुल्क के मसाइल की बात करनी है, मुल्क के मसाइल की हल की बात करनी है। वो बात आज नजर नहीं आती, वो सोच आज नजर नहीं आती। मियां साहब आप कह रहे हैं गोशा नशीनी अख्तियार कर गए या क्या? मियां साहब तो विजिबल नहीं है ना। अच्छा, आज शहबाज साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनकी काबीना है, मरियम बीबी जो है वो सूबे के अंदर हैं। कोई भी मुल्क की बात नहीं कर रहा, नजर नहीं आ रहा।